गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैंने बनाए हैं मटन करी और ये बहुत ही डिलीशियस और सुपर टेस्टी बनी हुई है और थोड़ी सी स्पाइसी भी है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन करी। इसके लिए मैंने 1/2 किलो मीट लिए है और मेरे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये, मैंने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची ये ज़्यादा तीखा नहीं है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिए है। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने 4 कांदा यानी कि अनियन को मैंने काट के रखा है। अनियन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे हमारी ग्रेवी अच्छी आएगी। और हमने मटन के लिए 4 आलू काट के रखे हैं और उसको हमने इस तरह से काट दिए हैं। और मैंने इसमें 2 टमाटर भी काट के रखे हैं, ये छोटे छोटे साइज़ के, इससे भी हम ग्रेवी के लिए अच्छी रहेगी। और मैं पहले 150 ग्राम मैंने दही ली है और इसको हम मैरिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। और इसको साथ साथ मैं अभी डाल देती हूँ, तो इस तरह से हम उसको डाल देंगे। और ये कश्मीरी मिर्च 2 टेबल स्पून, इससे ये कलर के लिए अच्छा आएगा। ये हमारी हल्दी, और ये हमारे गरम मसाला। अभी इसमें हम डालेंगे जीरा धनिया पाउडर, ये 2 टेबल स्पून है, और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए आप, और 2 टेबल स्पून आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको भी हम अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो मिक्स करने के बाद उसको अभी हम रख देंगे साइड करके। और जब तक ये हमारा मैरिनेट होता है, हम क्या करेंगे, आलू को जो है फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें तेल डालेंगे। अभी हम आलू को डालेंगे। इसको हम वापस एक बार चेक कर लेंगे। हमारा आलू जो है वो शेल फ्राई हो चुके हैं। और हम आलू को शेल फ्राई इसलिए करें क्योंकि जब आप मीट में डायरेक्ट आलू को डालते हो तो उसकी टेस्ट इतनी अच्छी आती नहीं है, और आप हल्के से जब उसको फ्राई कर लेते हैं तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो उसको भी हम गैस से निकाल लेंगे। हमारे आलू जो है अभी फ्राई हो गए, इसको भी हम साइड करके रख देंगे और अभी हम ग्रेवी के लिए तैयारी करेंगे। तो पहले अभी हम डालेंगे गोटा मसाला। गोटा मसाला में मैंने लिए 2 सिनेमन स्टिक, और इसमें लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, और स्टार है जीरा और काली मिर्च। इसको हम अच्छे से भी फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची, और अभी हम इसमें डालेंगे कांदा। अभी मिक्स करने के बाद अभी हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम मीट को डालेंगे। इसको हम अभी कवर कर देंगे। और अभी हम चेक कर लेते हैं, अच्छे अभी रेडी हो गई है। तो अभी हम इसमें मटन को डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटन को अभी अच्छे से इसको भूनने देंगे।
उसको भी हम कवर करके पकाएंगे। तो इसको अभी हम वापस एक बार चेक करेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है अभी। पानी सूख गए हैं और अभी इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा मटन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, मतलब भून चुके हैं। तो उसमें भी हम डालेंगे आलू को जो हमने इसमें शैलो फ्राई करके रखे हुए थे, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे वापस। इसको अभी हम वापस चेक कर लेते हैं एक बार, इसको वापस एक बार हम चला लेंगे। और इसमें भी हम पानी डालेंगे जिससे हमने मैरिनेट की थी, इसी बोल पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी पके और मटन भी अच्छे से पक जाए। तो उसको भी हम कम से कम 20 से 25 मिनट उसको हम पकने के लिए देंगे, क्योंकि मटन जो है थोड़ी टफ रहती है। तो हमारे मटन करी को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे मटन करी जो बिल्कुल अभी रेडी है और इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छे से बनी है। तो उसको भी हम गाइस हल्का सा अभी हम इसमें गरम मसाला छिड़केंगे। गरम मसाला जब आप छिड़कते हो खाना टपने के बाद उसकी टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब बस उसको ऊपर ऊपर से हल्का हल्का आप इसे गरम मसाला छिड़क देना, उससे आपकी टेस्ट जो है और ज़्यादा आ जाती है। और उसको भी अच्छे से एक बार मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे और ये आपका सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी आप उसको गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ उसको आप खा सकते हैं। तो गाइस मेरी मटन करी जो बिल्कुल रेडी है अभी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।